11 से 14 अप्रैल तक चलाए जाने वाले कोविड-19 टीका उत्सव के तहत जनपद में हो रहे टीका उत्सव में रविवार को सदर सांसद रवि किशन शामिल हुए, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि रविवार को ज्योतिबा फूले का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री के ने निर्णय लिया है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर टीका उत्सव का शुभारम्भ किया जाएगा और यह टीका उत्सव 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती तक चलेगा। टीका उत्सव में सभी लोग भाग लें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील किया है कि सभी लोग टीका उत्सव में भाग लें और अपनी बारी आने पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि सुबह ही 50,000 टीका जनपद में आ चुका है और टीका उत्सव के अवसर पर 116 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इस अवसर पर CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, किसी और को भेजे आराम एक ढीला कराओ, शरीर पे ढीला कराओ। मोबाइल नंबर बोलिए, दिनेश कुमार 8 7 8 7 2 6 2 9 2 9 2 4। पिता का नाम शंभु प्रसाद सिंह। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आज टीका लगा क्या कहना चाहिए? ये टीका जैसा कि सभी डॉक्टर हमारे बता रहे हैं, ये बिल्कुल सुरक्षित है और देश के सारे नागरिकों को टीका लगवा लेना चाहिए। हमको तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज देखिए, मैं आपको सभी गोरखपुर न्यूज़ के द्वारा मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन, तो ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन पे प्रधानमंत्री जी का आदेश निर्देश आया कि हम लोग टीकाकरण कराएं और ये टीकाकरण का उत्सव मनाएं। और टीकाकरण का जो उत्सव है, और टीकाकरण का उत्सव आज से होगा, अंबेडकर जयंती तक होगा और ये 4 दिन का उत्सव चलेगा और इस उत्सव में हम सब लोग भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं। लोग ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पर इंजेक्शन कम है तो ये सब गलत बात है। आज हमारे पास 50,000 का स्टॉक यहाँ पर आ चुका है और इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। अभी आज हम लोग टीकाकरण उत्सव के दिन 116 जगह पर हमारे टीकाकरण लग रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसको और बढ़ाएंगे, टेस्टिंग हमने बढ़ा दी है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब लोग संयम से रहें। देखा जाए तो कल अभी 320 मरीज मिले हैं, संख्या बढ़ रही है, कोई अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, ये पूरे विश्व में हो रहा है, हम लोगों को इससे बचना है और इससे बच के निकलना है।